फिर करा चोक टीम इंडिया ने, एक और फाइनल हारे पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा इमर्जिंग एशिया कप की। आप सबको बता दूं 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका के कोलंबो में, जहां पर 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। 8 टीमें बांटी गई थी दो ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। बात करें ग्रुप ए की तो उसमें थी श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, अफगानिस्तान ए और ओमान ए। वहीं बात करें ग्रुप बी की तो उसमें थी इंडिया ए, पाकिस्तान ए, यूएई ए और नेपाल। आप सभी को बता दूं कि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ए ने फाइनल से पहले बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। जो हम अपना पहला मैच बड़े ही आसानी से जीते थे यूएई से, दूसरा मैच नेपाल से बड़ी आसानी से जीत गए थे, और अपना तीसरा मैच जो ग्रुप स्टेज में सबने ही बहुत ज्यादा एंटीसिपेट और वेट करा था पाकिस्तान से, वो भी बड़े ही आसानी से जीत गए थे। और ऐसा लग रहा था कि अभी इमर्जिंग एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो इंडिया ए के अलावा और किसी की टीम के हाथ में नहीं जाएगी। बात करें अगर ग्रुप स्टेज वाले मैच की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वहां पर टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग करके पाकिस्तान ए को 205 रनों के अंदर ही ऑल आउट कर दिया था, और 37 ओवर्स के अंदर ये टारगेट बड़े ही आसानी से चेस कर लिया था विद 8 विकेट्स रिमेनिंग इन हैंड। और दोस्तों आप सभी को बता दूं उसके बाद टीम इंडिया ने खेला था बांग्लादेश ए के खिलाफ सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का, जहां पर टीम इंडिया ने 211 रन मारे थे। एक समय को तब भी ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाएगी, मगर वहां निशांत संधू ने 5 विकेट हॉल लिया और वो मैच बड़े ही आसानी से जीत लिया। अब दोस्तों महायुद्ध हुआ था 23 जुलाई को इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में। सबको लग रहा था कि पहले मैच जैसा ना हो जाए कि टीम इंडिया बड़े ही आसानी से ना जीत जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया टीम इंडिया ए को। बात करें अगर इस मैच की डिटेल स्कोर कार्ड की, पहले बैटिंग करके पाकिस्तान ए ने बनाए 352 for 8, जहां तैयब ताहिर ने मारे 108 रन 71 बॉल्स पे, वहीं साहिब ज़ादा फरहान ने मारे 65 रन 62 बॉल्स पे। इंडिया के लिए बॉलिंग करते हुए रियान पराग ने लिए 2 for 24 अपने 4 ओवर्स में, वहीं राजवर्धन हांगरेकर ने लिए 2 for 48 अपने 6 ओवर्स में। इंडिया ए टारगेट चेस करते हुए ऑल आउट हुई 224 रन पे अपने 40 ओवर्स में, जहां पर अभिषेक शर्मा ने बनाए 61 रन 55 बॉल्स पे, वहीं यश ढुल जो कैप्टन थे उन्होंने बनाए 39 रन 41 बॉल्स पे। पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करते हुए सुफियान मुकीम ने लिए 3 for 66 अपने 10 ओवरों में, और वहीं मोहम्मद वसीम जूनियर ने लिए 2 for 26 अपने 6 ओवरों में। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे तैयब ताहिर, और इसी के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हमारी टीम इंडिया के निशांत संधु। ग्रुप स्टेजेस में हम भले ही रहे टेबल टॉपर्स, लेकिन जब बात आई फाइनल्स की तो टीम इंडिया ए वापस हार चुकी है। इसी के साथ आप सबको बता दूं कि अब 30 अगस्त से खेला जाएगा एशिया कप, जहां इंडिया और पाकिस्तान भिड़ेंगी 2 सितंबर को एशिया कप के इस महायुद्ध में। अब देखना यह होगा कि एशिया कप भी क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, या वहां भी हम फाइनल या सेमीफाइनल्स में हार जाएंगे। आप सबको कैसी लगी इस मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.